आदरणीय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने एक भजन पेश कर रही हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि महर्षि दयानंद जी की बातें यदि समाज ने मानी होती तो इस समाज में जितनी बुराइयाँ फैली हुई हैं, बाल विवाह, अंधविश्वास, पर्दा प्रथा जैसी बुराइयाँ नहीं होती, एक सुंदर स्वस्थ समाज की रचना होती। लेकिन महर्षि दयानंद जी की बातें समाज ने नहीं मानी और समाज में ये बुराइयाँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। आज की नारी भी पर्दे में रहकर ऐसे ही घुट घुट कर जी रही है, एक मुजरिम की तरह, जैसे मुजरिम के मुंह पर पर्दा ढक दिया जाता है कि उसने गुनाह किया है। नारी ने क्या गुनाह किया है? भारत को आज़ाद हुए इतने साल हो गए लेकिन नारी को कोई आज़ादी नहीं। ऐसे ही आज उसको पर्दे में घुट घुट कर जीना पड़ रहा है। इस भजन के माध्यम से यही बताना चाहूँगी मैं। अगर रिसीवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर रिसीवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। अगर रिसीवर की बातों पर जमाना चल गया होता, न मुरझाती लताएं फूल पत्ती और तना कलियां, न मुरझाती लताएं फूल पत्ती और तना कलियां, कहीं मुजरिम न रोता, कहीं निर्दोष न मरता, तबाही का जो आलम है वो सारा टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, लगाया दयानंद ने वो पौधा फल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। धन्यवाद।